Hello everyone, today we will see Standard 4th English NCERT Unit 9 Pinocchio. Once upon a time, an old carpenter bought a very queer piece of wood. अब एक दिन की बात है, कारपेंटर जो था वो एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आया था. As he used his plan on it, he heard a little laughing voice. से स्टॉप. अब जैसे ही वो अपनी आरी उस वुड के ऊपर चलाने लगा, उसने एक आवाज़ सुनी और उस वुड में से, उस लकड़ी में से आवाज़ आई, स्टॉप. यू आर टिकलिंग मी. टिकलिंग का मतलब होता है गुदगुदी. और उस लकड़ी के टुकड़े में से आवाज़ आई कि स्टॉप करो, मेरे को बहुत गुदगुदी हो रही है. द ओल्ड मैन वॉज पजल्ड बाय द वॉइस. ओल्ड मैन शॉक हो गया ये वॉइस सुन के. He said, "This is a strange piece of wood." अब उसने बोला ये तो strange है, अद्भुत piece है ये wood का. What shall I do with it? अब मैं इस लकड़ी के टुकड़े से क्या करूँ? I think I will make it into a puppet. अब उसने बोला कि अब ये लकड़ी का टुकड़ा मैं किस में काम आएगा? Puppet बनाने में, कठपुतली बनाने में ये लकड़ी का टुकड़ा काम आएगा. He set to work and as the puppet boy took shape, the old man said, he must have a name. अब जैसे ही वो लकड़ी के टुकड़े से उसने वो पपेट बनाना स्टार्ट किया, तब उस कारपेंटर ने बोला अब इसका नाम रखना चाहिए. I will call him Pinocchio. अब मैं इसका नाम दे रहा हूँ, इसको मैं क्या बुलाऊँगा? Pinocchio. As soon as he finished making the eyes, the carpenter was amazed to see them move. अब जैसे ही उसने उसकी आँख बनाई और कारपेंटर उसे देखने लगा, अमेज्ड मीन्स शॉकिंग से वो देखने लगा. बिफोर द माउथ वॉज मेड इट बिगन टू लाफ. जैसे ही उसका मुंह बना और वो हंसने लगा. स्टॉप लाफिंग द ओल्ड मैन सेड. अब उस पपेट जो हंसने लगा था, उसका मुंह बना था, तब वो ओल्ड मैन ने उसे बोला स्टॉप लाफिंग मीन्स आप हंसो मत. इट डिड स्टॉप. अब जैसे ही उसने बोला चुप करो, हंसना बंद करो, तो वो स्टॉप हो गया. बट एज सून एज हिज बैक वॉज टर्न, इट पुट आउट इट्स टंग. अब जैसे ही वो पपेट को उसने, कारपेंटर ने पीछे साइड किया, उसकी बैक साइड उसको किया, तो पपेट ने क्या किया, उसकी टंग को बाहर निकाला, उसकी जीभ बाहर निकाली. And its nose grew long. और उसका नाक जो था वो लंबा हो गया. No sooner were its hands ready than it snatched off the carpenter's wig and put it on its own head. अब जैसे ही उसके हाथ बन गए थे, तब उसने क्या किया, कारपेंटर के माथे में जो विग लगी हुई थी वो उसने लिया और खुद के माथे में उसने वो विग लगा दी. किसने लगाई? वो पपेट ने लगाई. And then Pinocchio's nose grew longer. और उसका नोज वापस से लंबा हो गया. When its leg and feet were made, they were too stiff to use. So the carpenter showed Pinocchio how to use them. अब जैसे ही उसके पैर बने थे, तो उसके पैर इतने स्टिफ थे कि वो हिला भी नहीं सक रहा था. इतने वो उस टाइप के बन गए थे, बहुत चिपके हुए थे दोनों पैर, ताकि वो आगे बढ़ ना सके. फिर कारपेंटर ने उसे बताया कि पैर कैसे अपन को मूव करना है, पैरों से कैसे अपन को अपन चल सकते हैं. नाउ द कारपेंटर डिसाइडेड टू सेंड Pinocchio टू स्कूल. अब कारपेंटर ने डिसाइड किया कि Pinocchio को अब वो स्कूल भेजेगा. बट देयर Pinocchio डिड नथिंग बट लुक फॉर फन. बट वो भी स्कूल जाके Pinocchio कुछ नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ मस्तियाँ ही करता था. He often ran away from school. और वो हमेशा जैसे ही स्कूल में जाता था और वहाँ से वो भाग जाता था. Why don't you go to school? Asked the carpenter. अब कारपेंटर ने Pinocchio से पूछा कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो. Pinocchio told him a lie. अब Pinocchio ने उसे झूठ बोला कारपेंटर से. As his nose started growing longer and longer. जैसे ही उसने झूठ बोला कारपेंटर से, उसका नोज और ज़्यादा लंबा होने लगा. ईच टाइम ही वॉज रूड टू समवन और टोल्ड अ लाई, हिज नोज ग्रू लॉन्ग. कभी भी वो किसी के ऊपर गुस्सा करता था या किसी से वो झूठ बोलता था, तो Pinocchio का नोज लंबा
होता ही जाता था। फाइनली पिनोचियो सैड आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय। अब फाइनली पिनोचियो ने बोला कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं रियल बॉय की तरह हूँ। आई विल नेवर लाई अगेन। अब मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। सो हियर वी एंड अप आवर टुडे स्टोरी। सो अब इस पोएम इस लेसन से अपन को ये सीख मिलती है कि अगर अपन भी झूठ बोलेंगे तो अपन का नाक भी पिनोचियो की तरह लंबा होता ही जाएगा। कभी भी अपन को झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, और किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। सो थैंक यू।